सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दीवार, ये मेरे महमूद पिया का फैजान है, ये मेरे महमूद पिया का फैजान है, और ये फैजान इंशाअल्लाह हमेशा जारी वसारी रहेगा। लेकिन बड़े दुख और बड़े दर्द और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, ऐ खुदा के बंदो, तुम्हारा ये दस्तर नौत इन बच्चों के इनाम के तौर पर अगर तुमने दिया होता तो इन बच्चों का हौसला अफजाई होती। इसमें ये बच्चे मालदार नहीं होते। अगर तुम नबी की याद में बैठे हो, गौस की याद में बैठे हो, और गौस का थाना, गौस का दाना और गौस का लंगर खाकर बैठे हो, तो तुम्हें कम से कम मुस्तफाई वसल्लम के प्यारे दीवानों, तुम्हारा जिगर इतना छोटा क्यों हो गया है, तुम्हारा दिल इतना कंजूस क्यों हो गया है इन बच्चों की हौसला अफजाई। अरे अगर तुम वो लोग हो कि तुम जो है 10 और 20 और 50 रुपए यही खर्च करके सड़क पे चलते चलते पिचकारी मार देते हो, मगर मुस्तफा के नाम पर, मेरे गौस के नाम पर, मेरे महमूद पिया के नाम पर और गौस के लंगर के नाम पर इन बच्चों को हौसला अफजाई के लिए तुम्हारी जेब से, तुम्हारी कमाई से, तुम्हारी खड़ी खोटी कमाई से तुम्हारा दस का नोट ना निकला, यह अफसोस की बात है। अरे नोट तो दूर की बात है, तुमने तो अपने सीने का जोर लगाकर सुभान अल्लाह की सदाई भी बुलंद नहीं किया है। ये कौन सी कमजोरी है, ये कौन सी गफलत है, ये कौन सा अंधेरा है, ये कौन सा तुम्हारा दिल जो है इतना ठुकर चुका है। ए लोगो, अगर जमीन पर तुम्हें सुभान अल्लाह की सदाएं, रब का जिक्र करना नसीब ना हुआ तो मौत का झटका बड़ा आखिरी झटका है, बड़ा खतरनाक झटका है, बड़ा मुश्किल झटका है। अरे उस वक्त जो कलमा नसीब होता है वो उन्हें भी नसीब होता है जो फर्श जमीन पर बैठ कर हर वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करता है, रब को याद करता रहता है, रब की खौफ से अपने दिल में जो है धड़काता रहता है, मुस्तफा की मोहब्बत का चराग अपने दिल में रोशन रखता है, उसे जो है बढ़ते वक्त भी कलमा नसीब होता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, आप दिमाग से ये निकालते हैं कि आपके ये इनाम के तौर पर, हौसला अफजाई के तौर पर आपकी जेब से जो 10 रुपए निकलेंगे, इसमें ये बच्चे न मालदार होने वाले हैं न इनके माँ बाप मालदार होने वाले हैं। अरे मालदार तो तब होंगे जब गौस की निगाहें हम पर पड़ेगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कंजूसाई छोड़ दो, मैं नहीं कहता तुम्हें कि नाक लुटाओ, लेकिन खुदा की दी हुई जबान रब के नाम पर हिलाओ और इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करो। आइए मैं आपके सामने उसी मदरसा फैजान सज्जना मरियम उर्फ वडामा, एक बच्ची को जो है आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जिससे मेरी मुराद है मैमूना बानू बिंत मरहूम मोहम्मद इब्राहिम। जानते हो मरहूम किसके नाम के आगे लगता है, जिसके बाप का साया सर से उठ जाता है, जिस माँ का आंचल औलाद के सर से हट जाता है, उनके आगे मरहूम लगता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मेरे नबी की सुन्नत है कि मेरे नबी यतीमों के सर पर शफकत का हमेशा हाथ रखते थे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमको भी अपने प्यारे नबी की इस प्यारी सुन्नत को जिंदा